हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, हम सबको पता है कि इनोवा हाई क्रॉस मार्केट में आ चुकी है, गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी कार की डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पर हम सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं। जो लोग प्लान कर रहे थे XUV 700, सफारी या हेक्टर प्लस या फिर इनोवा क्रिस्टा कोई, तो इन सब कार्स का हम कंपैरिजन करते हैं आज इनोवा हाई क्रॉस के साथ कि यार इनोवा हाई क्रॉस ज़्यादा बेटर है या फिर हमें जाना चाहिए महिंद्रा की XUV की तरफ, टाटा सफारी की तरफ, MG की हेक्टर की तरफ, या फिर हम क्रिस्टा ही सिंपल ख़रीद लें, क्यों हाई क्रॉस के चक्कर में भी पड़ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे अब हम वन बाय वन। सबसे पहले तो क्रिस्टा एंड हाई क्रॉस को कंपेयर करते हैं। क्रिस्टा आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिलेगी, जबकि हाई क्रॉस सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही आएगी। क्रिस्टा में पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जबकि हाई क्रॉस आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल एंड हाइब्रिड में मिलने वाली है। डायमेंशंस की बात करेंगे तो हाई क्रॉस आपकी ज़्यादा लॉन्ग है, वाइड है एंड इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा व्हील बेस वाली कार है। तो देखिए, यहाँ फुल ऑन कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है दोनों की। हाई क्रॉस नेक्स्ट जनरेशन है क्रिस्टा की। तो अगर आप डीजल में कार को प्लान कर रहे हैं तो हमारी साइड से आपको सजेशन है कि गो फॉर क्रिस्टा। लेकिन अगर आप हाइब्रिड व्हीकल की तरफ आना चाहते हैं तो वहाँ पर हाई क्रॉस आपकी परफेक्ट चॉइस होने वाली है, क्योंकि पेट्रोल में चाहे आप क्रिस्टा लीजिए चाहे आप हाई क्रॉस लीजिए, कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाइड होंगे, डिसअपॉइंट होने वाले हैं उसकी माइलेज को लेकर। पावर ट्रेन्स में भी काफ़ी फ़र्क है। इनोवा क्रिस्टा में हमें 2.4 लीटर डीजल इंजन मिलता है एंड 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि हाई क्रॉस में अगर हाइब्रिड सिस्टम की आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत रिफाइंड 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो आपको पावर देता है 186 की और आपको टॉर्क मिलेगा 206 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में भी काफ़ी फ़र्क है। हाई क्रॉस में आपको टोयोटा सेफ्टी सेंस मिलेगा विच इज़ फर्स्ट इन सेगमेंट, जिसमें आपके पास डायनेमिक रेडार क्रूज सिस्टम है, मतलब आप इसको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल की तरह भी समझ सकते हैं। कोलिजन कंट्रोल है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आपको मिलता है, लेन असिस्ट मिलेगा। इसके जैसे बहुत सारे फीचर्स आपके लोडेड हैं आपकी हाई क्रॉस में, जो हम कहीं ना कहीं मिस करने वाले हैं हमारी क्रिस्टा के अंदर। हाई क्रॉस में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाएगा, वेंटिलेटेड सीट्स हैं यहाँ पर, रियर ऑटोमन सीट का ऑप्शन भी अवेलेबल है जिससे आपका कंफर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कि आप अपना फुट रेस्ट इंक्रीज करके सीट को फुल ऑन रिक्लाइन करके बहुत अमेजिंगली अपने ट्रिप को एंजॉय करेंगे, कंफर्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर। हाई क्रॉस TNGA मोनोकॉक आर्किटेक्चर पर बेस्ड है जिसमें सिंगल यूनिट है, जबकि आपकी क्रिस्टा लैडर ऑन फ्रेम आर्किटेक्चर बेस्ड है जिसमें बेस एंड रेस्ट बॉडी डिफरेंट सेगमेंट है। चलिए अब कंपेयर करते हैं इसका इसके दूसरे राइवल से जो 7-सीटर हैं एंड मोनोकॉक आर्किटेक्चर पर वो भी बेस्ड हैं, जिसमें आपकी कार्स आती हैं XUV 700, टाटा सफारी एंड योर हेक्टर प्लस। लुक्स की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ हाई क्रॉस में इस कार का MPV लुक बहुत स्मार्टली हाइड किया गया है और कार आपको बिल्कुल SUV लुक देती है। फ्रंट को अग्रेसिव बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है, लेकिन टाटा सफारी के सामने आपको हल्की लगेगी एंड लिटरली आपको लगेगा कि सफारी अपने राइवल को बोल रही है गेट आउट ऑफ माई वे। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ में हाई क्रॉस नंबर 1 है, नेक्स्ट आपकी हेक्टर प्लस है, उससे नेक्स्ट आपकी XUV 700 है और लास्ट में हमारी टाटा सफारी आती है। विड्थ की बात करें तो सबसे पहला नंबर यहां पर टाटा सफारी का है, देन XUV 700, फिर हमारी हाई क्रॉस है और लास्ट में हमारी हेक्टर प्लस है। हाइट की बात करते हैं, जो बहुत लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि हाइट ज़्यादा होनी चाहिए गाड़ी की, तो MPV होने के बावजूद भी हाई क्रॉस सबसे ज़्यादा टॉल है, सेकंड आपकी सफारी है, थर्ड आपकी हेक्टर प्लस है और लास्ट में हमारी आती है XUV 700। व्हील बेस की बात करें तो हाईएस्ट व्हील बेस हाई क्रॉस का है। आपको मैंने बताया कि इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा व्हील बेस किसी भी कार में नहीं है। सेकंड पोजीशन के लिए क्लैश है यहाँ पर XUV 700 एंड हेक्टर प्लस में, एंड इनमें सबसे कम व्हील बेस है टाटा सफारी का। पावर ट्रेन्स की बात करें तो सफारी में आपका पेट्रोल इंजन नहीं आता है, ये कार सिर्फ और सिर्फ डीजल में अवेलेबल है, और हाई क्रॉस आपकी सिर्फ पेट्रोल में आती है या फिर आप उसे हाइब्रिड में लेंगे, उसमें आपके पास डीजल का ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, अगर आप पेट्रोल और डीजल में कंफ्यूज हैं सफारी और हाई क्रॉस के बीच में, तो बहुत क्लियर कट है कि सफारी आपको सिर्फ डीजल में मिलती है और हाई क्रॉस आपको सिर्फ पेट्रोल में मिलती है। तो यहाँ पे काफ़ी आपकी दिक्कत को सॉल्व कर देगा ये, अगर आप फ्यूल के ऊपर जा रहे हैं। XUV 700 एंड हेक्टर प्लस हैव बोथ द पावर ट्रेन्स, मीन्स इनके अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है,
या फिर आप पेट्रोल भी ले सकते हैं या फिर आप डीजल भी ले सकते हैं। ये दोनों गाड़ियां आपको कहीं पर भी बाउंड नहीं करती हैं। इन सब में सिर्फ हाईक्रॉस ही आपकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आती है विद इट्स टॉप स्पेक मॉडल, जिसमें आपके पास 2 लीटर पेट्रोल इंजन है जो आपको पावर देती है 184 हॉर्स पावर और आपको 206 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। XUV 700 में भी 2 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन है जो आपको पावर जनरेट करता है 197 BHP की और आपको टॉर्क मिलता है 380 न्यूटन मीटर का। अगर आप डीजल में खरीदते हैं XUV 700 को तो वहां पर आपका इंजन बड़ा हो जाएगा, वो है आपका 2.2 लीटर CRDI डीजल इंजन, जहां पर आपकी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, 182 हो जाएगी, लेकिन आपका टॉर्क काफ़ी बढ़ जाएगा, दैट इज़ 420 न्यूटन मीटर। XUV 700 आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के साथ मिलती है। ये गाड़ी आपको पेट्रोल एंड डीजल ऑप्शंस में भी मिलती है। मींस XUV 700 के साथ ना कहीं पर भी हम लोग बाउंड नहीं हो रहे हैं, हमें हर तरीके से गाड़ी मिल रही है। हाई क्रॉस यार दोस्त हमारी सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें मैनुअल का ऑप्शन ही नहीं है। सफारी में सिर्फ 2 लीटर डीजल इंजन आता है जो पावर जनरेट करता है 168 BHP एंड जनरेट्स अ टॉर्क ऑफ 380 न्यूटन मीटर का, और ये गाड़ी भी आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। बस ये कार आपको सफारी पेट्रोल में नहीं मिलेगी। हेक्टर प्लस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो आपको पावर देगा 141 BHP की और आपको टॉर्क मिलेगा 250 न्यूटन मीटर का। तो यहाँ पर अगर हम पावर स्पेक्स को देखेंगे ना तो सबसे कम आपको हेक्टर प्लस लगने वाला है, और अगर आप डीजल में भी देखेंगे इस कार को तो वहाँ पर आपके पास 2 लीटर डीजल इंजन का यूज किया गया है विच जनरेट्स पावर ऑफ 168 HP एंड टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर। हेक्टर प्लस में पेट्रोल इंजन के साथ आपके पास दोनों ट्रांसमिशन है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, लेकिन अगर आप हेक्टर डीजल में लेते हैं तो वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल है। हेक्टर डीजल वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ नहीं मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स की। XUV 700 में ड्यूअल 10.5 इंच डिस्प्लेस दिए गए हैं और यहाँ इंफोटेनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को इंटीग्रेट करके काफ़ी स्मार्ट लुक दी गई है जो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ह्यूज साइज आपको स्क्रीन दिखाई देता है सामने। अपकमिंग हेक्टर में आपको XUV से भी बड़ा स्क्रीन मिलने वाला है, मींस आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका साइज हो जाएगा 14 इंच। XUV 700 एंड हाई क्रॉस में अडास फीचर दिया गया है जो सफारी एंड हेक्टर प्लस में भी आने वाला है। अभी जो प्रेजेंट है उसमें नहीं है, लेकिन जो अपकमिंग कार है सफारी और हेक्टर इन दोनों के अंदर है। तो मतलब अगर आप अडास के ऊपर कार को डिसाइड कर रहे हैं, आपको बहुत रिक्वायर्ड फीचर लगता है, तो आपको सफारी और हेक्टर का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाईक्रॉस में सबसे ज़्यादा इंटीरियर स्पेस है एंड रियर में पावर्ड ऑटोमैन भी मिल जाएगा जिससे आप ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे। इन चारों कार्स में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगा। तो ये सनरूफ एक पैरामीटर वो नहीं है जो हम किसी भी कार के अंदर कमी के तौर पर ढूंढ पाएंगे, सब में ये चीज़ दी गई है। ड्राइवर एंड पैसेंजर वेंटिलेटेड सीट्स भी सब में है एक्सेप्ट XUV 700 एंड सफारी गोल्ड एडिशन में आपके पास ड्राइवर एंड पैसेंजर के साथ साथ मिड रो में भी सीट वेंटिलेशन दिया गया है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और आपको मिड रो में भी मिलता है, मीन्स पूरी कार के अंदर आपका सीट वेंटिलेशन है, तो सारे के सारे पैसेंजर्स बहुत कंफर्टेबली अपनी राइड को एंजॉय करेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो हमारी ऑल व्हील ड्राइव की हम लोग बात करते हैं या 4x4 कैपेबिलिटीज़ की हम लोग बात कर देते हैं, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि XUV 700 के अंदर ही वो कैपेबिलिटी है, वो हमारी ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल है। बाकी इन सब में से कोई भी कार हमारी ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, चाहे बात करें हम हाई क्रॉस की, सफारी की या फिर हेक्टर प्लस की। चलिए अब आते हैं फाइनल टॉपिक पर, दैट इज़ प्राइस। कि यार प्राइस के ऊपर हम कैसे जज करें। हाई क्रॉस का प्राइस अभी तक अनवील नहीं किया गया है कंपनी के साइड से और पता नहीं कितना टाइम और लगाने वाले हैं। तो इसका अगर एक्स शोरूम हम लोग देखेंगे तो वो मुझे लगता है कि टॉप एंड वेरिएंट का अराउंड 25-26 लाख रुपए होगा शायद, नो आइडिया। XUV 700 में आपको 13.45 से लेकर 24.95 लाख तक की गाड़ी मिलती है। तो 13.5 लाख से 25 लाख तक XUV 700 हमारी वेरी करती है। हेक्टर प्लस की अगर हम लोग बात करें तो ये 15 लाख से अराउंड 21 लाख 20 हज़ार तक वेरी करती है, और जो हमारी सफारी है वो हमारी 15.5 लाख से लेकर अराउंड 23.76 लाख तक वेरी करती है। और ये जितने भी मैंने आपको प्राइजेस बताए ये सारे हमारे एक्स शोरूम प्राइस हैं,
जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का अपना रजिस्ट्रेशन और ये सब टैक्सेस वैक्सेस जोड़ लेना दोस्त, क्या प्राइस बनता है। तो दोस्त ये था फुल ऑन कंपैरिजन हमारा XUV 700 का, सफारी का, हेक्टर प्लस का, इनोवा हाई क्रॉस के साथ। और यहाँ पर हमने सारे वेरिएंट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया है, चाहे वो हाइब्रिड है हाई क्रॉस का, चाहे वो उसका पेट्रोल वेरिएंट है। और हर चीज़ को आपको समझाने की कोशिश की है कि अलग 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 पैरामीटर पे कोई गाड़ी अप चली जाती है, कोई गाड़ी डाउन चली जाती है। तो अगर आप इन गाड़ियों में से कोई कार को प्लान कर रहे हैं तो देखिए आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपको कौन कौन से फीचर्स रिक्वायर्ड है, आप क्या चीज़ें चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ADAS का कोई यूज़ ही नहीं लगता, उनको नहीं चाहिए भैया लेन असिस्ट फीचर हमें नहीं चाहिए, या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं चाहिए। तो वो आपकी प्रेफर्ड चॉइस है, आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए आपको नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें आप अपने हिसाब से देखेंगे। गाड़ी को ड्राइव करना सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और मैंने आपको इन सब गाड़ियों का ड्राइव वीडियो शेयर कर रखा है ऑलरेडी। और अगर मैं फ्रैंकली आपको बताऊं कि सबसे अच्छी ड्राइव किसकी लगी, तो देखिए मैंने हाई क्रॉस अभी तक नहीं चलाई है, अभी आ जाएगी गाड़ी तो देखते हैं उसका ड्राइव आपसे शेयर करेंगे। लेकिन बाकी कार्स में मुझे XUV 700 का ड्राइव बहुत अच्छा लगा था, और हेक्टर का भी मुझे ड्राइव बेटर लगा था एज़ कम्पेयर टू सफारी। सफारी थोड़ा सा लोड लेके चलती है, लेकिन यस बहुत सारे और पैरामीटर्स उसमें ऐसे हैं जहाँ पर वो इन कार्स को फेल कर देती है। तो आप बहुत सोच समझ के अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गाड़ी को खरीदिएगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी इनमें से सस्ती तो है नहीं। तो देख लीजिए कैसे प्लान करेंगे आप, अपनी फैमिली से बात कीजिए, पेन डाउन कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को, उसके बाद ही अपनी कार को फाइनल कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।